नंबर दिखाइए, इसका नंबर का, इसकी आंख नहीं है और ये कब की मरी हुई है ये तो पता नहीं है, लेकिन इसकी आंख गायब है। देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ सामने सामने एक गाय तड़प रही है, तड़प रही है, इसकी आंख से ब्लड निकल रहा है। और दोस्तों, मैं हूँ अनमोल आनंद और मेरा न्यूज चैनल है अनमोल संवाद, और इस समय मैं मौजूद हूँ बलिया जिले के चिलकहर ब्लॉक के और असना तहसील के हसनपुर उर्फ बछईपुर में। यहाँ बृहद गौ संरक्षण केंद्र है, जो ऐसे आपको दिखा दिया जाए, जैसे इसकी लागत है, लागत इसकी 120 लाख है, और इस 120 लाख के बावजूद भी यहाँ की क्या स्थिति है मैं दिखाने की अभी आपको कोशिश कर रहा हूँ। जरा यहाँ दिखाइए, गेट पर दिखाइए कि ये जो गेट है बहुत बड़ा बृहद है और कैसे है, इसको दिखाने की हम कोशिश करेंगे। और ये अभी 8:30 के आसपास में अभी गेट खुल रहा है, कर्मचारी है, गायों को जो है अभी बाहर निकाला जाएगा और खिलाने के लिए और चराने के लिए यहाँ जो यहाँ पे मौजूद हैं, और ये गायें जो है बाहर जाने के लिए अभी ये लोग निकल रही हैं। और यहाँ जैसे देखा जाए कि बहुत सी अव्यवस्था है, सफाई की यहाँ अव्यवस्था है, जो भी अपना कर्मचारी है वो आ गया है और उसके बाद से सर सफाई कर रहा है, लेकिन सफाई के बावजूद भी देखने को मिल रहा है कि चारों तरफ गंदगी का अंबार हुआ है, और इस गंदगी के अंबार में इन गायों का जीना दुभर हुआ है। और इस समय सबसे ज़्यादा जो है लंपी वायरस का इस समय प्रकोप ज़्यादा है जानवरों में, इसे लगातार हर जगह जानवर मर रहे हैं, और सरकार का जो है इसमें बहुत जोर है कि जो जानवर मर रहे हैं उसको इलाज के लिए डॉक्टर लगाया गया है, हर तरीके का चिकित्सक दिया गया है कि ताकि कोई और अन्य जानवरों में ना फैले। और यहाँ देखने के लिए ये भी मिल रहा है कि आगे देखा जा रहा है कि एक गाय दिखाई दे रही है, आइए आइए यहाँ आप इसको दिखाइए, दिखाइए कैसे यहाँ गाय मरी हुई है। और यहाँ देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस गौ आश्रय में देखिए हड्डी दिखाई दे रही है, और हड्डी कैसे दिखाई दे रही है अब तो ये जो इसका जिम्मेदार होगा। और देखिए एक गाय मरी हुई है, और इसका टैग दिखाइए, टैग दिखाइए, इसका नंबर दिखाइए, इसका नंबर का, इसकी आंख नहीं है और ये कब की मरी हुई है ये तो पता नहीं है, लेकिन इसकी आंख गायब है। देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ सामने सामने एक गाय तड़प रही है, तड़प रही है, इसकी आंख से ब्लड निकल रहा है, और कैसे तड़प रही है ये भी मरने वाली है, इसके साथ में ये भी है। जैसे ये देखने में आ रहा है कि यहाँ पे 5 गायों की जो है मौत हो गई है, एक मरने वाली है, तो स्थिति खराब है बेहद। यहाँ चील कौवे जो भी हैं इनको नोच नोच के खा रहे हैं, और जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इसका ध्यान नहीं दे रहे। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार जो है इस पे जोर दे रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुरक्षित किया जाए, और नाद जहाँ नाद दिखाएंगे, जैसे नाद में देखिए पशुओं के चारा खाने के जगह पे इसमें गोबर है, आखिर इस गोबर गोबर और भूसा कैसे जानवर खाएंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसको जिम्मेदार अधिकारी है जो भी है, इसको देखना चाहिए, आना चाहिए, घूमना चाहिए, इसका अवलोकन करना चाहिए कि आखिर स्थिति क्या है। स्थिति दोस्तों इतनी मतलब भयावह है यहाँ की कि उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। जो देखने जो आप इसके माध्यम से वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है, और इधर देखिए इधर गंदगी चारों तरफ गंदगी है, और भूसा तो है ही नहीं है। ये यहाँ के कर्मचारी लोग बताए हैं कि भूसा थोड़ा मोड़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, डॉक्टर कभी कभार आते हैं। और जैसे यहाँ देखा जाए इधर चारे के नाद के बाद जो है बाउंड्री है, देखिए इधर पानी उनी पड़ा है, इधर बहुत ज़्यादा गंदगी है, उसे देखिए गंदगी है, इधर देखिए मृत जानवर का यहाँ खोपड़ी पड़ा है, इसको देख लीजिए, आपको दिखाया जा रहा है कि आखिर मृत जानवर का खोपड़ी है। यहाँ कोई अधिकारी आता है तो उसको क्या उसके संज्ञान में नहीं होता है कि हम इसको देखें? इधर इधर भी देखिए, इधर थोड़ा सा दिखाइए, हमको लग रहा है कि इधर भी कोई जानवर वानवर का खोपड़ी उपड़ी पड़ा है, खोपड़ी पड़ा है, हड्डियाँ पड़ी हैं, अस्थियाँ पड़ी हैं, आखिर ये कैसे हो रहा है? कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस पर क्यों नहीं आ रहा है? इसको दिखाइए, इसको दिखाइए, सारी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। इस समय स्थिति बहुत यहाँ की ख़राब है, और जैसा कि मैं अब दिखा रहा हूँ कि योगी सरकार इस पर जोर दे रही है, और मैं अपने चैनल के माध्यम से योगी सरकार को जो है इससे अवगत कराना चाहता हूँ कि आप के द्वारा जो है इतना पैसा खर्च करके और इतनी लागत लगा के
गौ संरक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं और जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और देखिए पानी की व्यवस्था हम दिखा रहे हैं कि गौशाला में पानी की व्यवस्था है, यहाँ नल चल रहा है, पानी तो है इसमें लेकिन पानी में बहुत ज़्यादा गंदगी है, काई है इसमें, पानी के अगल बगल बहुत घास जम गया है, इसमें गोबर उबर टाइप का भी कहीं कहीं दिख रहा है। तो इसको दिखाने की और हम आपको आगे कोशिश कर रहे हैं और सरकार से और बलिया ज़िले की जो है महोदय DM से इनको मेरा रिक्वेस्ट है कि आप आएं और थोड़ा सा इसको देखें और देखने के बाद आप जो भी इसके कर्मचारी हैं, जो भी अधिकारी हैं, चाहे जो भी संबंधित हैं, इतना सरकार का पैसा लगाने के बाद आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार सरकार इस पर ध्यान दे रही है। अभी यहाँ कुछ दिन पहले मंत्री भी आए थे, विधायक लोग भी आए थे, तो आखिर विधायक और मंत्री जब आते हैं तो यहाँ की व्यवस्था सुधर जाती है? आखिर वही कर्मचारी है, वही डॉक्टर है, वही अधिकारी है, सारी व्यवस्था फटाक से ठीक हो जाती है और जाने के बाद ज्यों की त्यों व्यवस्था हो जाती है, आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब कौन देगा? अधिकारी देगा या कौन देगा? आप बताइए, आप जनता हैं, जनता इसके बारे में बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? मेरे चैनल में कमेंट और के माध्यम से बताइए और मैं इस माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आवाज़ उठा रहा हूँ और योगी जी तक मैं पहुँचाऊँगा कि आपके इतना लागत लगाने के बावजूद भी सारी ये जो स्थिति हुई है ये बहुत दयनीय हुई है और देखने के बाद जो है अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं का लग रहा है एकदम, मतलब वो बहुत से बदतर स्थिति है इसको। जैसा कि इस गौआश्रय में एक मौजूद है कर्मचारी जो आप चौकीदार के पद पर हैं और आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए। हमारा जो है ग्राम बच्छईपुर के रहने वाले हैं और मेरा नाम राजेंद्र यादव है। चौकीदार के पद पर हम काम करते हैं, इन लोग को चराते और आते हैं, खिलाते पिलाते हैं। तो चौकीदार आप हैं यहाँ, आपको सैलरी कितना मिलती, तनख्वाह कितनी मिलती है? वैसे तो पहले वाले वीडियो जो है 65 लगाए थे सचिव के द्वारा जी, अभी जो है 6000 मिल रहा है, उसमें भी अभी जो है 5-6 महीना का बाकी है, अभी मिला नहीं है जी। तो देखिए आप बताइए कि आखिर 6000 में इनके घर का खर्चा और इनका खर्चा, बच्चों का पढ़ाई लिखाई या जो भी है, कैसे चलेगा? 6000 यानी डेली का 2200 रुपया हुआ, तो 200 रुपये में एक सामान्य कर्मचारी, सामान्य कोई भी लेबर वर्क है तो उसका 500 रुपये, कम से कम 500 रुपये मजदूरी दिन का दिहाड़ी है, तो 200 रुपये का क्या मतलब है? देखिए ये जो है, तो आप कितने घंटे ड्यूटी करते हैं यहाँ? 8 घंटा से 10 घंटा। 8 घंटे का देख लीजिए दोस्तों, 8 घंटे का 200 रुपये प्रतिदिन की इनकी दिहाड़ी है, तो 200 रुपये में क्या खर्च चलेगा? और ये जो है गाय को बाहर ले जाना, चराना और उसकी देखभाल करना, फिर सुरक्षित इस बाड़े में अंदर ला के इनको बांधना और देखना, तो आप ही बताइए 6000 में इनका दादा, महंगाई में, महंगाई का इस समय समय चल रहा है और आप 6000 रुपए में आप अपने घर का खर्चा कैसे चला लेते हैं? अरे वही नमक तेल भी नहीं चल पाता है, एकदम गवर्नमेंट से मैं कहा कि भाई हमारा जो भी बनता है वो टाइम से दे दीजिएगा, अपना हम तेल नमक चलाएं, बाल बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। बताइए दोस्तों 200 रुपये में जो है 8 घंटे की इनकी ड्यूटी है, वो भी संविदा पे है, तो संविदा पे है तो आगे क्या इनका भविष्य हो सकता है कि आगे इनकी, इनको जो है रेगुलर किया जाए या नहीं किया जाए? चूंकि ये गौ आश्रय जो होता है अस्थायी गौ आश्रय होता है, इसकी कोई अस्थायी वो नहीं है, इसका नाम अस्थायी ही होता है, अस्थायी के तौर पे ही इसको माना जाता है, फिर भी 200 रुपया इस महंगाई के जमाने में बहुत कम है और ये उससे दुखी है कि 200 रुपये में इनका खर्च चलना मुश्किल है और सबसे बड़ी बात है कि 200 रुपये में 8 घंटा इनको ड्यूटी देना है, फिर भी पेट के लिए करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बाल बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई है, खाना पीना है, तो पेट के लिए ये चतुर्थ क्लास श्रेणी के हाँ कर्मचारी हैं, तो इनसे मैं बातचीत करके, तकलीफ हमको भी हो रही है कि ये जो है 200 रुपये प्रतिदिन पे 8 घंटे का ड्यूटी करते हैं, 10 घंटा 8 घंटा करते हैं, तो सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ कि ऐसे कर्मचारियों का जो 200 रुपये पे 8 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, इनको और कुछ बढ़ा के महंगाई को देखते हुए और इनको और कुछ इनकी जो है तनख्वाह और सैलरी इनका बढ़ाया जाए।